नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने आप नेता की हत्या में वांछित आरोपी को किया काबू। पॉइंट 32 बोर का पिस्तौल और कार की बरामद। जीजा के नेशनल हाईवे नंबर 54 पर निजी कंपनी की बस और ट्राले में हुई टक्कर, कई सवारियों को आई मामूली चोटें। और अब हलचल विस्तार से। एक बड़ी सफलता में जालंधर ग्रामीण पुलिस ने कनवाटा स्थित गैंगस्टर अमृतपाल सिंह बाट के एक प्रमुख सहयोगी को काबू किया है, जो पट्टी से जनवरी 2024 में आप नेता सनी चीमा की हत्या के सिलसिले में वांछित था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जगदीप सिंह गिल के रूप में हुई है, जो तरन तारण जिला का निवासी है। मीडिया से बात करते हुए जालंधर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरकमलप्रीत सिंह खख ने कहा कि आरोपी को SPS नगर से फिल्लौर जाते समय एक गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया है। आरोपी ने आगे तरन तारण जाना था। आरोपी के कब्जे से पॉइंट 32 बोर की एक पिस्तौल और एक कार बरामद की गई है। और अधिक जानकारी देते हुए SSP खख ने कहा कि आरोपी ने दो शूटर्स को उस स्थान पर पहुंचाने में मदद की जहां चीमा की हत्या की गई थी, और बात ने अपराध के बाद भागने की योजना को व्यक्तिगत रूप से निर्देशित किया था। पुलिस अब मुख्य शूटर्स और अपराध में शामिल अन्य साथियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी कर रही है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस आगे की जांच के लिए उसका रिमांड मांगेगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। कल फलौर पुलिस स्टेशन दे विच साड़ी फलौर सब डिवीजन की टीम नूं बड़ी अच्छी सफलता मिली है। जदों कल शामी इन्होंने एक नाका लाया होया सीगा, उत्थों इन्होंने एक किया वाइट कलर की जिहड़ी गड्डी हैगी आ उहदे विचों एक बंदा अरैसट किया, जिहदे जदों तलाशी ली गई उहदे कोलों एक पिस्टल बरामद होया इलीगल, और उहदी पछाण जिहड़ी जगदीप सिंह एलीएस गिल एलीएस ठोलू दे नाम ते हुई, जिहड़ा तरन तारण दा रहिण वाला सी। जनवरी दे महीने 13 जनवरी नूं तरन तारण डिस्ट्रिक्ट दे विच एक बड़ा सेंसेशनल मर्डर होया सीगा, जिहदे विच सनी चीमा नाम का जिहड़ा सरपंच सीगा, बड़ा इनफ्लुएंशियल बंदा सीगा, पोलीटिकली एसोसीएटिड सीगा, उहनूं सवेर दे टाइम ते जदों अपने एक सलून दे विच हेयर कटिंग लई बैठा सीगा, उत्थे एक बंदा मास्क बंदा अंदर एंटर कीता, उहने उहदे गोलियां मारियां, और उहदे नाल दा बंदा बाहर बाइक ते बैठा रहा, फिर उत्थों भज गए और उहनां दा कतल कीता। बड़ा सेंसेशनल मर्डर सी, डे लाइट दे विच मर्डर किया गया सी, जिहदे ते बड़ी हू एंड क्राई सी। बाद दे विच इस मर्डर की जिम्मेवारी जिहड़ा अमृतपाल बाट हैगा बार फॉरन बेस्ड क्रिमिनल, उहने लई सी वी मैं करवाया हैगा। तरन तारण पुलिस ने इहदे विच काफ़ी बंदे ऑलरेडी अरैसट कर ले सीगे, बट जिहड़ा ये बंदा जलंधर रूरल पुलिस ने अरैसट किया हैगा जगदीप सिंह एलियस ठोलू, ये मेन बंदा कॉन्सपिरेटर सीगा, जिन्हें कि जिहड़े शूटर्स हैगे आ उन्हां नूं क्राइम स्पॉट ते पहुँचाया और फिर उन्हां नूं गाइड करके उत्थों कढ़िया। जदों ये मर्डर एग्जीक्यूट हो गया उस तो बाद इस बंदे नूं डायरैक्टली अमृतपाल कमांड करन लग पिया, उन्हें इनू उत्थों भजाता मौके तो। ये पहला चंडीगढ़ गया, फिर अदर स्टेट्स से गया और फिर ये दुबई चले गया एक अद्धे दिन बाद ही। उत्थों ये कई कंट्रीज़ दे विच ट्रैवल किया, ये अपना ट्रैवल हिस्टरी बना रहा सी भी उस तो बाद मैं सौखा बाहर चले जाया करूँगा। और हुण ये जदों अरैसट होया इहदी इंटरोगेशन च आया कि वाया नेपाल इंडिया दे विच एंटर किया हैगा, और आके ये UP दे PDP दे इलाके च एक दो दिन रहा, फिर ये इनलॉज हैगे ने अंबाले ये उत्थे आ गया, हुण ये वापस तरन तारण जा रहा सीगा ते जिहनूं रस्ते च अरैसट किया गया। इहदे उपर आर्म्स एक्ट दे विच पुलिस स्टेशन फलौर दे विच FIR दर्ज की गई है। साडियां स्पैशल टीम्स जिहड़ियां हैगियां उह इहदी इंटरोगेशन कर रही हैगियां, असीं कोशिश कर रहे हैं जिहड़े शूटर सीगे उस वारदात ते उहनां दी आइडेंटिफिकेशन की जाए और उहनां दी अरैसट की।
जीरा के नेशनल हाईवे नंबर 54 पर वेलकम गेट के नज़दीक उस समय एक हादसा घटित हो गया जब एक निजी कंपनी की बस और ट्राली के बीच टक्कर हो गई, जिस कारण बस सड़क पर पलट गई और बस में सवार कई सवारियों को मामूली चोटें लगी हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल जीरा में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए बस कंडक्टर और सवारियों ने बताया कि बस जीरा से पट्टी जा रही थी, जब बस अमृतसर रोड स्थित वेलकम गेट के नज़दीक पहुंची तो सामने से आ रहे एक ट्राली के साथ उसकी टक्कर हो गई और बस सड़क पर पलट गई, जिसमें कई सवारियों को मामूली चोटें आई हैं। तो वहीं सिविल अस्पताल जीरा में तैनात डॉक्टर सौरभ जैन ने बताया कि बस दुर्घटना में घायल लोगों को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है और इलाज के बाद वे अपने घर चले गए। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੱਟੀ ਸ਼ੇਮਕਣ ਜਾਣੀ ਸੀ ਬਸ, ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਟਰਾਲੇ ਵਾਲਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਲਾਹ 'ਤੀ ਗੱਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਨੁੱਕਰ ਵੱਜੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ ਆ, 13-14 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਉਣ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ। ਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰਾ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਟਰਾਲਾ ਆਇਆ ਘੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਬੱਸ ਪਲਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਏ? ਹੈਗੇ 8-10 ਜੀ। 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ 60 ਵੱਜੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੈਸੇ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਏਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਲੱਗੇਗਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਛ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫਰਦਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਕੇ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪੂਰਵ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਹਰੇ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨ ਫਿਰ ਸੇ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰੋਂ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਵ ਜਥੇਦਾਰ ने कहा कि एक व्यक्ति द्वारा उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे, जिनके बारे में सिंह साहिबान की आदेशानुसार बनी जांच कमेटी की ओर से उन्हें दोषमुक्त करार किया जा चुका है, पर तख्त श्री पटना साहिब कमेटी की ओर से वे रिपोर्ट श्री वकाल तख्त साहिब को अभी तक नहीं भेजी गई। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में निर्दोष पाए जाने के बाद 5 सिंह साहिबानों द्वारा मामला विचार कर उनके मान सम्मान को फिर से बहाल किया जाए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। श्री अकाल तख्त साहब सिख दे लोक परलोक का आसरा है जी, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज विराजमान ने, जिते सिख जदों भी आवे जिन्नी वारी भी आवे उन्ना चंगा है भला, और ये गुरु साहब की बख्शिश मिलती, सारा जगत आ दोबारा तो मेरे ख्याल नहीं है, अगे असी फाइल दे गए सी, उही असी रिमाइंड कराने वास्ते आए हैं, जेडे कुछ तत्थ शायद वो नहीं दिते गए सी, वो सारे तत्थ भी असी श्री अकाल तख्त साहब सबमिट किए ने। श्री अकाल तख्त साहब ने 22 अक्टूबर 2022 ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। जय गणपति सेवा सोसाइटी जलंधर छावनी की ओर से 22वां वार्षिक माँ भगवती का जागरण मोहल्ला नंबर 23-24 के मध्य जालंधर छावनी में 27 अक्टूबर दिन रविवार को बड़ी ही धूमधाम व श्रद्धा भाव से करवाया गया था। इसी संबंध में सोसाइटी के अध्यक्ष हरविंदर सिंह पप्पू अपने साथियों सहित माँ भगवती जागरण के उपलक्ष्य में स्थापित किए गए ध्वज को माँ चिंतपूर्णी धाम में स्थापित करने हेतु रवाना हुए। इस दौरान पंडित राजेंद्र कुमार राजू ने बोर्ड गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल
पूनम पाठक से विधिवत पूजा अर्चना करवाकर माँ भगवती के ध्वज को रवाना किया। इस अवसर पर प्रधान कमल चौहान, सुनील चौहान, राजेश चौहान, ख्वाहिश चौहान, मैडम बलजीत कौर, लक्ष्य सोडी, मोहित अंकुश शेजल सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। जो कि हर साल की तरह इस साल भी 27 तारीख को जो कि जागरण जयगर सेवा फेस्टिवल किया गया सर, वो जो कि अज झंडे की जो माता जी चरणों लेके जाना वो साड़ी प्रिंसीपल पाठक जी उन्होंने आके जो कि इजाजत दी है कि अभी झंडा लैके माँ चरणों चरणों जाना है। साढ़े मैडम प्रिंसीपल जी इस तरह ही साढ़े से प्यार प्रयास करता इसी तरह लड़कियाँ करते हैं। जय माता जी, जय गणपति सेवा सोसाइटी ये जो समाज के लिए जोड़ने के लिए धार्मिक उत्सवों का आयोजन करती रही है, मूल्यां बढ़ा रहे हैं, बच्चों के बीच में संस्कार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। माता रानी उनको हिम्मत बख्शे कि ऐसे ही समाज सुधार के काम और बच्चों में संस्कार डालने के धार्मिक कार्य करते रहें और समाज में उन्नति में अपना योगदान डालते रहें। माता दी जय माता दी। गणपति सेवा सोसाइटी वालों 22वां वार्षिक जागरण किया गया 27 तारीख को किया था, उसके उपरांत आज हम महामाई के द्वार पर झंडे को लेके जा रहे हैं और सारी संगत के साथ हंसते बजाते का ढोल बजाते वहाँ सब संगत जाएगी। हम चेयरमैन रविंदर सिंह पप्पू प्रधान इसे गणपति सेवा सोसाइटी की तरफ से सारा शेय जो है ये इनकी तरफ से है, इन्होंने ही सारा इंतजाम जो भी किया। हम देवी तला से सीजल भी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिनका उपराला हलचल हर जगह और हर टाइम आती है। जय श्री राम, जय श्री राम। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक अरोड़ा ब्रदर्स एंड पार्टी कपूरथला वालों ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायक ने माँ की सुंदर भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर श्री देवी तारा मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, अवतार भी साधुराम कालिया, सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल ने गायक पार्टियों को समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण में स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक मनीष राजा एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की। इस मौके पर मंदिर कमेटी के सदस्य योगेश्वर शर्मा, अशोक सोपती, नरेंद्र सहजपाल, चंदन मोहन डिंगरा ने भजन गायकों को माँ की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संजीव साहनी, सोहनलाल, किरण कुमार, राजेंद्र मदान, यशपाल, गोवर्धन गांधी, नरेंद्र शर्मा सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज सारे शहर के मायानाल कराता सीनियर कराता मनीष राजा जेने की स्वर्गीय नथुराम जी चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है बन जाएगा, माता के मंदिर को सोने का बनाना है। वर्ल्ड फेमस स्वर्गीय नथुराम जी के छोटे भाई साहब मनीष राजा जी आपकी के सामने आपकी दरों को महाभाई का गान लेके आ जाते हैं। बड़ा ही
ਸੁਆਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਹਰਜਨ ਚੈਨਲ, ਸੁਦੇਵ ਭਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਗਤ ਦਿਵਸ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੇਂ ਮਖਦੂਮਪੁਰਾ ਧੋਬੀ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਵ ਪੁੱਤਰ ਸਨਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਨਿਧਨ ਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਸ਼ੋਕ ਕੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਵ ਸਨਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹਰਨਾਮ ਦਾਸਪੁਰਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਮੇਂ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਮੁਖਾਗਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੀ। ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਵ ਸਨਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੋਂ ਕੀ ਆਂਖੇ ਨਮ ਦਿਖੀ, ਜਿਨਕਾ ਰੋ ਰੋ ਕਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਪੂਰਵ CPS ਕੇ ਡੀ ਭੰਡਾਰੀ, ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ, ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਆਪ ਨੇਤਾ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ, ਸੁਨੀਲ ਚੱਡਾ ਬਿਲਡੂ, ਪੂਰਵ ਪਾਰਸ਼ਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੱਡਾ, ਹੇਮੰਤ ਸਰੀਨ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸੇਠੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਮਹੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ, ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਠਾਡਾ, ਵਰੁਣ ਪਾਠਕ, ਸੁਰਜੀਤ ਰਾਏ ਬਿੱਟਾ, KR ਜੈਨ, ਨਿਤਿਨ ਸ਼ਰਮਾ, SHO ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਯਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਬ੍ਰਿਜ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਮੋਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਰਾਜੀਵ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੀਵ ਦੇਵਗਨ, ਜੋਨੀ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਦਿੱਤਿਆ, ਸੰਚਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਲਾਡੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ਼ਰਮਾ ਸਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਸੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਵਰਗੀ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਵ ਸਵਰਗੀ ਸਨਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋ ਨਮ ਆਖੋ ਸੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੀ।
बेदी शटल कॉर्क इंडस्ट्रीज की प्रतिष्ठित मालिक हरिंदर सिंह बेदी का आकस्मिक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार जालंधर के किशनपुर स्थित शमशान घाट में हुआ। इस दौरान उन्हें मुखाग्नि उनके भतीजे कुलविंदर सिंह जौली बेदी ने दी। इस मौके पर विधायक बाबा हंडी, पूर्व CPS KT भंडारी, भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष अमरजीत सिंह अम्बी, अपाहिज आश्रम के चेयरमैन तरसेम कपूर व पारिवारिक सदस्यों में भतीजा कुलविंदर सिंह जौली बेदी, कमलजीत सिंह बेदी, अनु मलिक, भाई भूपेंद्र सिंह, गगनदीप बेदी, जगनजोत सिंह सहित शहर के व्यवसायिक, राजनीतिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय हरिंदर सिंह बेदी को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने आप नेता की हत्या में वांछित आरोपी को किया काबू। .32 बोर का पिस्तौल और कार की बरामद। जीजा के नेशनल हाईवे नंबर 54 पर निजी कंपनी की बस और ट्राले में हुई टक्कर, कई सवारियों को आई मामूली चोटें। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।